आश्रम की कहानी की शुरुआत पलवान पम्मी से होती है जो दलित परिवार से हैं और यही वजह उनके करियर की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी है। फिर एक दिन जब पम्मी के दोस्त की शादी हो रही होती है तो वह घोड़ी पर बैठकर जाने को जिद करता है और ये बात बड़ा मोहल्ला के लोगों को पसंद नहीं आते हैं। वे उनकी बेहतरीन के पिटाई कर दी जाती है। इस तरह इन पीड़िताओं लोगों की मदद करने के लिए निराला बाबा आगे आते हैं और फिर सबका दिल जीत लेते हैं। लेकिन एक दिन जमीन से एक पिंजरा निकलता है और कहानी के तार बदलने लगते हैं। निराले बाबा का दाहिना हाथ है भोपा। फिर कहानी में राजनीति, आस्था और अपराध की तिगड़ी नजर आती है और दिखाई देता है कि किस तरह पीड़िताओं को सहारा देने का बहाना बनाकर उनका शोषण किया जा रहा है। एक बार फिर प्रकाश झा ने बहुत ही प्रांचिक विषय को अपनी वेब सीरीज में उठाया है। इस 19 सीरीज की एक ऐसी मोड लेकर आ छोड़ा है जहां कई सवालों के जवाब अधूरे रह चुके हैं। आश्रम के निराला बाबा और भोपा के कैरेक्टर बहुत ही कमाल के हैं। बॉबी देओल ने निराला बाबा के किरदार को बहुत ही बढ़िया दिखाया है और काफी बढ़िया अंदाज से रोल प्ले किया है। रोहित सहने के उनका खूबी साथ भी दिखाई दे रहा है। सीजन में दोनों की ट्यूनिंग बहुत ही कमाल की नजर आ रही है। पहलवान पम्मी का किरदार अदिति पोहनकर ने निभाया है और वह भी जर्मी है। दर्शक द्वारा इंटीमेट उजागर सीन का किरदार बहुत ही सिद्ध स्वाद माना गया है। आप सबका क्या कहना आश्रम 2 के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।